हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाइल्ड एक्सप्लोरर में। और जैसे कि एक मेरे दोस्त का कमेंट भी आया था और वैसे मेरे भी माइंड में था, ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ब्लैक स्कॉर्पियो को मेंटेन कैसे करें। एक्चुअली ब्लैक कलर है तो बहुत ज़्यादा गंदी भी होती है गाड़ी और उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही ईजी तरीका बताता हूँ कि कैसे इसको अपना साफ सुथरी रख सकते हैं। सबसे पहले तो ब्लैक कलर है, शाइनिंग वाला है, तो इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करें आप। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास ये जितने भी अभी क्लोथ देख रहे हो माइक्रोफाइबर सारे, ये ग्लाउज है माइक्रोफाइबर, जहाँ पर नॉर्मल कपड़ा नहीं पहुँच पाता जिससे आप साफ़ करते हैं, तो ग्लाउज पहन के आप साफ़ कर सकते हैं। और ये मैंने दो क्लोथ अपने लगभग 800 GSM बोलते हैं, लेकिन ये 600 GSM है मेरे हिसाब से, तो इनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा भाई, लिंक वहाँ से ख़रीद सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे क्लोथ हैं। और एक ये है 300 GSM का है कपड़ा है, जो कि टायर्स वगैरह या फिर अलॉय व्हील पे अपने साफ़ करने के लिए। माइक्रोफाइबर क्लोथ का फ़ायदा क्या है, जो सोल मार्क्स आते हैं गाड़ी पे, सोल मार्क्स नहीं आएंगे। और दूसरा, जो आज आप वॉश कर रहे हैं गाड़ी को, वो टू बकेट मेथड से साफ़ करेंगे, वो मैं आपको दिखाता रहूँगा साथ साथ में कैसे वॉश कर रहे हैं। और चलिए साफ़ करते हैं। और एक बोर्ड बता देता हूँ, कभी भी गाड़ी को ना राउंड राउंड ऐसे साफ़ मत कीजिए, उसको सीधा एक ही लाइन में हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे कीजिए, तो उससे क्या है सोल मार्क्स आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है जैसे कि आप अभी देख भी रहे हैं, कोशिश करूँगा आपको दिखाता रहूँ। तो सबसे पहले जो डस्ट अभी जम गई है गाड़ी के ऊपर, उसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए एक बकेट पूरी गाड़ी पर डाल देंगे, ताकि वो अपनी जगह थोड़ी छोड़ दें। पानी का भी हम कम यूज़ करेंगे, पानी वेस्टेज नहीं करेंगे। बार फिर आप ये टू बकेट मेथड से आप पूरी पे इजी लगा देंगे। इसमें कपड़े आपने देख लिए क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, और ये अपना सर्फ एक्सल का इजी वाश है, तो इजी वाश भी कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। वैसे एक ढक्कन से ही, जैसे एक ढक्कन है, इससे पूरी गाड़ी अपनी, तो मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ। एक ढक्कन काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। सर्फ से कभी गाड़ी मत साफ़ करना, क्योंकि सर्फ से सोल मार्क्स आ जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हार्ड होती हैं। तो एक अपन ने ढक्कन डाल लिया है, ये सिंपल। चलिए बाकी मैं आपको अभी वॉश करके दिखाता हूँ। पहले एक बकेट डालेंगे मिट्टी छुड़वाने के लिए। ये दोस्तों आपने देख ही लिया है, एक बकेट आपने पूरी गाड़ी पे फैला दी है, और अभी 2-4 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि जो मिट्टी इसके ऊपर लगी हुई थी वो अपनी जगह छोड़ दे, थोड़ी नरम हो जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वॉशिंग अपनी गाड़ी की। और जैसे कि मैं दिखा रहा था आपको, माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स हैं ये, तो एक माइक्रोफाइबर से वॉशिंग होने के बाद जब अपन सुखाएंगे गाड़ी को, तो ये तब यूज़ करेंगे। इसको यहाँ रख देता हूँ अलग से, और एक से अभी गाड़ी के ऊपर शुरू करते हैं ईजी लगाना, ठीक है। अभी टू बकेट मेथड भी समझाता हूँ कैसे होगा। तो टू बकेट में क्या होता है, पहले गाड़ी को वॉश करके, एक बार वॉश किया और इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, फिर उसको साफ़ पानी से आप साफ़ करेंगे, और फिर दूसरे साफ़ पानी से उसमें भिगो के, और फिर ईजी लगाएंगे उसके ऊपर। जैसे भी मैं दिखा रहा हूँ आपको, सबसे पहले आप यूज़ करते हैं ईजी, ईजी की है, और अभी इसको करेंगे वॉश। इसको राउंड राउंड नहीं करना है, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, इस कैसे सिंपली, और ये बड़े इजी वे से साफ हो जाता है, और टाइम भी देख सकते हो आप, इजी हो रहा है। मुश्किल से आपको, अगर इस फॉर्मूले से आप गाड़ी वॉश करोगे, तो आधे घंटे में पूरी गाड़ी वॉश हो जाएगी आपकी। और इस क्लॉथ को टायर पे यूज नहीं करना, मैंने बताया था, टायर के लिए दूसरा कपड़ा रखा है, क्योंकि ये इस जो बॉडी के ऊपर मिट्टी थी वो लाइट ही थी, कुछ ज़्यादा थी नहीं, तो वो ज़्यादा सोल मार्क्स भी नहीं डालेगी। तो जितना फ्रंट का कवर कर सकते हैं, एक वॉश में ये कवर करेंगे। टायरों पे नहीं लगा देना है। अब देखिए, जैसे कि अपने इसके ऊपर फैला दिया है पूरा, इजी वॉश हो गया है, तो इसको क्या करेंगे,
पहले इस साफ बकेट में फिला लिए, धीरे धीरे गंदी हो जाएगी, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल थे वो इसके अंदर रह जाएंगे अभी, ये देखिए। और इसको अभी साफ़ पानी में एक बार भिगो लेंगे। इस तरह से क्या होगा, ये कपड़ा बिल्कुल साफ़ हो गया दोबारा से, और हम इस पर फिर इजी लगाएंगे और अभी गाड़ी के दूसरे पार्ट्स पे वॉश करना शुरू करेंगे। तो इस तरह से अपन पूरी गाड़ी को वॉश करेंगे ताकि जो पहले के डस्ट पार्टिकल थे और आगे वो अगले बॉडी पार्ट पे ना लगें, वो सोल मार्क ना बनाएं। तो इस तरह से पूरी गाड़ी को अपन धीरे 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 धीरे। और दोस्तों जो अपने इजी कर दिया था गाड़ी को पूरा, तो उसको एक बकेट से आप इजीली हटा पाओगे। इस तरह से साफ पानी लेके और उसको हटा दीजिए और इस तरह से आपकी गाड़ी साफ हो जाएगी। फ्रेंड्स गाड़ी अभी ऊपर से तो वॉश हो गई है और इसको वाइप अप करेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको। और अभी बारी है अलॉय व्हील्स की और नीचे के पार्ट की, ठीक है। और ये वाला माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो है यूज़ करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इजी में भिगोते हैं पहले और फिर टायर्स पे लगाते हैं। आपको लगेगा कि बहुत कम लोड। और दोस्तों ये देखिए पहले क्या करेंगे, सारे अलॉय व्हील पे मारेंगे, टायर पे नहीं मारेंगे, क्योंकि टायर्स पे कुछ हार्ड पार्टिकल हो सकता है, वो स्क्रैच मार सकता है। तो इस तरह से अलॉय व्हील्स करेंगे पहले, पीछे वाला भी ऐसे कर देते हैं, देखा इस तरह से, ठीक है दोस्तों। और अब कर लेते हैं टायर को साफ और फिर इसको वॉश करेंगे, वैसे ही सेम टू बकेट मेथड वाला सिस्टम ही चलेगा इनके ऊपर भी, ताकि उस साइड के जो अलॉय हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई स्क्रैच ना लगे। सेम इस तरह से इसको कर लेते हैं। अगर टायर आपके चमक रहे हैं ना तो पूरी गाड़ी का लुक बदल देते हैं, ब्लैक किस। और इसमें तो अपने ये वाइट वाले वर्ड्स भी जो लिखे हुए हैं टायर के ऊपर बड़े अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से चलो जी लोगे साफ, देख लीजिए आप लोग। और अभी बारी है ये अपने फुट स्टेप की, इसको भी इसी क्लॉथ से साफ करेंगे, ठीक है। बने रहिए आप लास्ट तक, फिर दिखाता हूँ आपको कैसे साफ होता है। तो दोस्तों मेन पार्ट पे हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि ये अपनी गाड़ी वॉश हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा इजी लगाने के बाद क्या होता है, कहीं पर थोड़ा सा पानी की वजह से नहीं हट पाती तो वो सूख जाती है, तो वाइप आउट करना सबसे मेन है। और अपने पास ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, इसको थोड़ा नरम करके गिले छिंटे हाथ से पहुँच के थोड़ा सा नरम हो जाएगा, उसके बाद फिर हम वाइप आउट करेंगे। चलिए मैं एक बार वाइप आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कैसा रिजल्ट आता है। देखिए जैसे धीरे धीरे अभी वाइप आउट करेंगे तो ये शाइनिंग आने लग जाएगी। तो एक ही डायरेक्शन में ऐसे करना है, राउंड राउंड नहीं घुमाना है, तो आपकी गाड़ी पे कभी भी सोल मार्क्स नहीं आएंगे। किसी और रीजन से आ सकते हैं लेकिन कपड़े से साफ करने पे नहीं आएंगे। तो दोस्तों थोड़ी इच्छा तोड़ कर लेते हैं साफ। तो दोस्तों अभी जैसे छोटे जो पार्ट हैं वो कपड़े से नहीं होंगे साफ, तो इसलिए जो ग्लव्स है यहाँ पर काम आता है, जैसे कि ये देख सकते हो आप, ये जितनी भी ग्रिल है इसकी, इनको बड़े अच्छे से साफ़ कर देगा ये। तो इसलिए सारा जो भी मैंने अभी आपको दिखाया है यूटिलिटी के हिसाब से सब कुछ यूटिलाइज हो जाता है, मैं यूटिलाइज कर लेता हूँ। तो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो आएगा इसका इंटीरियर का दिखाऊंगा मैं आपको, कैसे इंटीरियर को साफ़ कर सकते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट कुछ ज़्यादा नहीं होते, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में वो शो करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अभी आपको पूरा करके ओवरऑल एक लुक दिखाता हूँ गाड़ी कैसे साफ़ हुई है। तो ये अलॉय व्हील को भी इससे साफ़ करना बहुत ईजी हो जाता है, थोड़ा वाइप आउट कर देते हैं। मेन लुक तो सही बताऊँ मैं आपको, गाड़ी की टायर और अलॉय ही बनाते हैं, तो थोड़ा सा जैसे गीला रह जाता है तो वो धब्बे धब्बे बन जाते हैं, तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। और इससे देखिए ग्लव्स से बहुत ईजीली साफ़ हो जाता है।
फ्रेंड्स वॉशिंग देख लीजिए अपनी गाड़ी के, घर पे ही आप कैसे ब्लैक स्कॉर्पियो को मेंटेन कर सकते हो, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी माइक्रो फाइबर क्लॉथ के साथ टू बकेट मेथड के साथ ऐसे साफ होती है स्कॉर्पियो, देख लीजिए आप बिल्कुल चेहरा नज़र आ रहा है और कोई सोल मार्क्स वगैरह कुछ नहीं पड़ते हैं। ये लुक देख लीजिए आप लोग, इस तरह से साफ हुई है गाड़ी। तो आप लोग भी अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं गाड़ी को अगर यही फार्मूला अपनाएं तो। उम्मीद करूंगा अच्छे से होगी है, लेकिन कोई ज़्यादा मशक्कत वाली बात नहीं है। सही बताऊँगा अगर ब्लैक स्कॉर्पियो को मेंटेन करना है ना तो आप खुद से ही कर सकते हो जिसको अपनी गाड़ी से प्यार है। इसलिए मैंने जो मेरी गाड़ी साफ़ करने के लिए आता था बंदा वो भी हटा दिया, क्योंकि वो पता नहीं किस टाइप का कपड़ा यूज़ करेगा, राउंड राउंड कर देगा तो उससे सोल मार्क्स बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे। तो वही है। और एक और टिप है मेरी तरफ से, कोई भी प्रेशर से इंजन के ऊपर पानी ना मरवाए, क्योंकि प्रेशर से अगर इंजन के ऊपर पानी पड़ता है तो कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट होने के चांसेज हैं, तो उससे बचने के लिए वो ना करें। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भाई का कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जाके पूछ लें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।